फाउंडर खुशहाल बोकारो और रिटायर्ड इंजीनियर बोकारो स्टील प्लांट। ये सेंटर खुशहाल बोकारो केंद्र से अभी आप बोल रहे हैं और अभी आपको जैसे एक जीपी के बारे में, जीपी टेली मेडिसिन जो अभी जो इंडिया में अभी जो जो नया चीज़ होने वाला है, जो घर बैठे सुविधा मिलेगी और डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ल्ड में कहा जा रहा है कि इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हर सेक्टर में सबसे आगे हो रहा है, तो वही फ्यूचर है। तो ये जीपी टेली मेडिसिन नीति आयोग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और अनेक अवार्ड्स पाया हुआ है जो बॉम्बे का है, उन्हीं के ये जो प्रतिनिधि हैं रीजनल ऑपरेशनल मैनेजर ये श्री अमित द्विवेदी जी है हुए हैं यहाँ बोकारो। और यहाँ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इम्पोर्टेंट, जो मुस्कान है, वेलमार्क है, साई है और के मेमोरियल है, इन सब के डॉक्टर्स के यहाँ जो पेशेंट की जरूरत कहीं से भी इस एरिया में होगा, एक ऐप है जीपी का जो इन लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर उस इमरजेंसी में एम्बुलेंस के साथ वहाँ सीट खाली, बेड खाली रहे, जिससे कि जाते ही पेशेंट वहाँ पर अटेंड हो जाए, उनको बेड मिल जाए और डॉक्टर्स भी अलर्ट हो जाए कि तुरंत उनको सर्व करे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही जीपी का जो यहाँ पर है दो तीन है, जो सबसे बड़ा है जो कि हम 250 रुपया में यहाँ बैठे हुए उसका ECG स्टेथो ब्लड शुगर और ये देख करके, और फिर उसके बाद स्टेथो का साउंड भी रिकॉर्ड होता है और डॉक्टर्स कंसल्टेशन यहाँ घर बैठे हो जाता है। उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ है और जीपी का, तो ये अभी बता रहे हैं, ये हो रहा है बताएंगे द्विवेदी जी। तो हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट की जरूरत पड़ गई तो बोकारो के जो हॉस्पिटल्स हैं या अगल बगल रांची के जो हैं, वहाँ पर कैसे आपको पेशेंट को किसी को सुविधा मिल सकती है, परेशानी होती है, उसी के बारे में ऐप को बताएंगे द्विवेदी जी। धन्यवाद। आपको प्ले स्टोर पर जीपी हेल्थ करके आपको एक अप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर, इस तरह से जीपी हेल्थ करके एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। जैसे मैंने अपना लॉगिन किया हुआ है, अगर यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाएंगे, इसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। जीपी हेल्थ करके यहाँ पे आ जाएगा आपको एप्लीकेशन जीपी हेल्थ करके, ठीक है, जिसको हम ओपन करेंगे। ये काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के जरिए, ये एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करके कोई भी कस्टमर अपने फ़ोन में अगर लॉगिन करता है, अपने फ़ोन में अगर इसको लॉगिन करता है, तो उसको 250 रुपीज़ उसके वॉलेट में आते हैं, उनके नाम से जमा हो जाए, उसके नाम से वॉलेट में, इस ऐप से यूज करने के लिए उसको, हाँ, कंसल्टेशन के वन टाइम उसको यूज़ करने के लिए, ताकि वो सीख जाए इस काम को। तो एक प्रोत्साहन मनी जो होता है, कंपनी जो है उसको 250 रुपीज़ देती है। तो मुझे बताइए, वो कंसल्टेशन ये मोबाइल से ही कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जीपी सेंटर आने की जरूरत नहीं। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट करके लिखा हुआ है, यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेगा और कौन सा कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए, जन्मा चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेगा और सब डॉक्टर बुक होगा। जैसे अभी यहाँ पे मैंने किसी को सिलेक्ट कर लिया, जनरल फिजिशियन सेलेक्ट कर लिया, नाम आ गया। अब इस डॉक्टर को यहाँ पे बुक कर लेते हैं, बुक वाले ऑप्शन पे जैसे टिक करेंगे ना, एक्चुअली मोबाइल में मेरे बैटरी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से आप बुक करके उसमें कैश ऑन करना है, उसमें दो ऑप्शन रहेगा पे का, कैश पे करने का ऑप्शन लेना है, ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं लेना है। कैश पे के ऑप्शन पे लेंगे तो वॉलेट का पैसा आपका 250 रुपये वहाँ से कट जाएगा और आपका डॉक्टर से डायरेक्टली कंसल्टेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे यूनिक फीचर क्या दिया हुआ है, जो भी आपका ऑर्डिनेशन होगा, जो भी मेडिसिन लिखेगा या भी जो भी आप टेस्ट वगैरह करेंगे, वो यहाँ नीचे आपका लैब टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट, जो भी रिकमेंड की हुई दवाइयाँ, कब आपने कॉल किया था, या कॉल बैक का भी इसमें आप ऑप्शन डाल सकते हैं, मैंने कॉल बुक कर दी, सामने से कॉल नहीं उठा, वापस से आपको कॉल कर लेंगे डॉक्टर साहब। उनसे नीचे यहाँ पे यस ओ यस करके एक ऑप्शन दिया हुआ, इमरजेंसी SOS इमरजेंसी दिया हुआ, अगर इस SOS को हम यहाँ पे टिक करते हैं तो इस तरह से अलर्ट करता है, मेडिकल इमरजेंसी, पुलिस इमरजेंसी, मेडिकल एंड हॉस्पिटल इमरजेंसी। तो कोई भी ऑप्शन हम तीनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, जब तक कि ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे वो सिस्टम एक्टिवेट, पुलिस भी उससे भी कनेक्ट है, ये सिस्टम
वो एक्टिवेट नहीं होगा। हमने पुलिस पे सेलेक्ट किया और पुलिस नज़दीकी पुलिस हेडक्वार्टर पे मैसेज चला जाता है कि इस लोकेशन से कोई इमरजेंसी है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा इसमें दिया भी है, ये भी है। हाँ ये भी है, वेरी गुड। उसके बाद अगर वो नीचे मेडिकल इमरजेंसी है तो जिस भी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस टाइप एम्बुलेंस रहेगा, जो भी एम्बुलेंस हमने नियर बाई ओला में जिसे देता है तो चला जाता है, उस जिसे ओला में देते हैं सबके मोबाइल पे अपने आप चला जाए अलर्ट चला जो तैयार होगा। उसमें क्या करता है, अलर्ट सबको जाता है, लेकिन वो पहले टिक करके चेक करेगा कि मेरे नज़दीक में है या मेरे से दूर है। जैसे ओला में अगर नज़दीक में रहेगा तो कोई भी उसको सेलेक्ट कर लेगा, जैसे एक ने उसको एक्सेप्ट किया बाकी अपने आप क्लोज हो जाएगा। अब जो एक्सेप्ट करता है उसके जस्ट बगल उसको कॉलिंग नंबर दिख जाता है, चाहे तो कॉल करके वो कंफर्म कर ले। ओला का जानता है लोग उसी तरह का सिस्टम। उसके बाद उसके जस्ट बगल में एक हॉस्पिटल का आइकन दिख रहा होगा, तो जो एम्बुलेंस वाला होगा उसको लेके कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल पे क्लिक करेगा, तो सबसे नज़दीक हॉस्पिटल जो टाइप रहेगा उस हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा, तो जिस भी हॉस्पिटल को टच करेगा उस हॉस्पिटल में आप इमरजेंसी चला उसके डैशबोर्ड डैशबोर्ड पर। अब जब से वहाँ पे डैशबोर्ड जाएगा तो वो क्या करता है, एम्बुलेंस वाले का सिस्टम, कस्टमर का सिस्टम और हॉस्पिटल का सिस्टम तीनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, यानी लाइव वहाँ से डॉक्टर चाहे तो मरीज को देख सकता है। और इस प्रक्रिया से मरीज की जान बचाई जा सकती है। अच्छा उसके पास क्या रहता है, मोबाइल 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 से मोबाइल से मोबाइल से उसने देख लिया, उनकी कंडीशन देख ली, कुछ इमरजेंसी में बताने लायक रहा तो बता देगा कि ये कीजिए और जल्दी लेके आइए, या आने लायक है कि नहीं आने लायक है, तो वो कंडीशन वहीं से देख के डॉक्टर बता देगा। अच्छा जैसे मान लीजिए उसका बेड खाली नहीं है, हाँ तो जिन्हें करें नहीं बेड खाली नहीं है तो उस बुक करते टाइम उसके नीचे दिखेगा, उसको जब भी वो हॉस्पिटल सेलेक्ट करता है एम्बुलेंस तो उसके नीचे बर्थ बेड दिखता है, उन लोग फिट करके हाँ वहाँ पे उसके डैशबोर्ड पे अपना रखेगा तभी पता चलेगा। अगर वहाँ पे बेड खाली नहीं दूसरा हॉस्पिटल सेलेक्ट करो, और फिर कई सारे हॉस्पिटल रहेंगे ना, तो अगर उस हॉस्पिटल पे जगह नहीं खाली दूसरे वाले का भी करो, उस हॉस्पिटल को भी अपना वो डाटा मेंटेन रहता है, तो उसके लिए कोई आपका है सिस्टम की बस कैसे करेगा? नहीं वो डॉक्टर जो रहता है ना वो डॉक्टर मैनेज करता है, उसको ट्रेनिंग मिलती है और सबसे अच्छी बात क्या है, अभी आपका जो है मुस्कान बाबू से बात हुई है, हाँ वो लोग सब डायरेक्टर है, और जब वो आएंगे उसमें डॉक्टर मुंशी भी स्पेशलिस्ट है, वो भी श्रीवास्तव मुंशी जी हम आएंगे तो आप उनसे बात कर लेंगे, और हम लोग भी उनसे क्या करते हैं दूसरा है आपका के एम मेमोरियल जी जो अभी बंद खुशरों में आपका सेट है, उन्हीं के एम पी भी थे, उनके पार्टे भी जो थे उन्हीं का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है छोटा जी, शायद वही बात यहाँ नया मोड वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर सर सर उन्हीं का सिस्टम है, पार्टी भी बहुत अच्छा चल अच्छा ये है साइन वहाँ तीन चार हॉस्पिटल यहाँ पर है जहाँ लोग जाके एक कॉपरेटिव कंपनी पर, तो ये सब चीज़ सारे जो है सो आप उसमें आपको जो बोले जहाँ टीम रखना पड़ेगा और प्रचार की बात से आप जितना भी है कर लीजिए, कर चलिए से आप